हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृति पटेल सीरियल चैनल। और मैं कृति पटेल आप सबका अपने चैनल पे बहुत 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 दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बड़े ही मज़े में होंगे। तो आज अगेन मैं एक वीडियो लेके आई हूँ जो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, मतलब सबको हेल्पफुल होने वाला है। जिनको मतलब पराठा रोटी नान बनाना नहीं आता, इसके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो बेचलर है या मेल है, जिनको मतलब खाने में रोटी पराठा बनाने में दिक्कत हो रही है, वो इजीली इससे बना के अपना मतलब अकेले रहते हो, घर से दूर हो, फैमिली से दूर हो, मतलब कभी हम जॉब की वजह से, कभी हम स्टडी की वजह से हम दूर होते हैं, तो आप ये बना सकते हो। और जो फीमेल है जिनको पराठा बनाना अच्छा नहीं लगता है, रोटी बेलना अच्छा नहीं लगता है, इनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और जो लड़कियाँ अभी तक खाना पकाना सीख नहीं रही, इसके लिए बेसिक है। अगर रोटी नहीं आती है तो कोई नहीं, दाल बना दो, इसके साथ ये चीज़ बना लो, बहुत ही बढ़िया सी होने वाली है। जैसे आप लोगों ने थंबनेल देखकर देख पता तो लग ही गया होगा कि मैं आज आपके साथ बाटी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। हाँ, बट इसके लिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं यार, इसके लिए तो हमें बाटी का कुकर चाहिए, ये चाहिए। आप इसकी चिंता मत करो, मैं ये जो बाटी बनाने वाली हूँ सिंपल से एक बेसिक अप्पम के तवे में बना के आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जहाँ पे मैंने कोई बाटी का कुकर या कुछ नहीं किया है। यही ट्रिक आप अपने तवे पे भी इसको कर सकते हो और अच्छे से आप बाटी बना सकते हो। तो बहुत बातें नहीं करते, अब हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को, वीडियो पे शुरू करें। उससे पहले अगर आप पहली बार कृति पटेल के चैनल पर आए हो फिर भी अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना है चैनल को सब्सक्राइब। जिसके भी अभी तक आप लोगों ने कृति पटेल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना है चैनल को सब्सक्राइब, साथ पे ऑल पे और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। एंड यस, ऑफ कोर्स सारे वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट तक देखिए, इससे लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ही फ्री है। तो फटाफट से जाए सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें। चलिए किचन में चलते हैं। हम आ चुके हैं हमारे किचन में और हम लगाते हैं बाटी का डो, जिसके लिए मैंने ऐसा वाला एक बाउल लिया है। इसके अंदर मैं ले रही हूँ एक कटोरी भर के गेहूं का आटा। गेहूं के आटे में आपको थोड़ा सा डालना है नमक, जाएगा इसमें थोड़ा सा अजवाइन। अजवाइन को आपको क्या करना है, ऐसे हाथ में ले लेना है, थोड़ा सा आप इसको मसल के डालें, जिसकी इसकी जो स्मेल होती है, जो अरोमा होता है ना, वो बहुत ही अच्छे से आता है। अब पाटी के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा मोन के लिए तेल। यहाँ पे मेरा मतलब आटा बहुत कम है, इसलिए मैं बहुत ही कम, मतलब एक चम्मच जितना मैंने डाला है तेल। आप अपने आटे के हिसाब से थोड़ा सा मोन का तेल ले सकते हो। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक्चुअली मेरे घर पे बहुत सारे खाने वाले नहीं है अभी, मतलब मेरा आज फास्ट है, मेरी डॉटर ही अकेली खाने वाली है, वो अभी बाहर गए हुए, तो मैं अभी इतनी ही बाटी बना रही हूँ। अदरवाइज मेरे घर पे बाटी और दाल बहुत ही लोगों को पसंद आता है, बार बार ये चीज़। विंटर में तो ये बहुत ही बनता है, जस्ट बिकॉज विंटर में क्या है कि भूख में बहुत ज़्यादा लगती है और ये थोड़ा सा हैवी लगता है, तो ये ज़्यादा विंटर में बनता है। अब हम इसे पानी डाल के अच्छे से डो लगा लेंगे इसका। अब आप देख रहे हो कि ये हमारा डो बन के रेडी है। हम क्या करेंगे, इसके एक सामान, मतलब ये जो मैं बना रही हूँ बाटी, ये अप्पम की पैन पे बना रही हूँ, तो मुझे थोड़े से छोटे वाले बाटी मेरी बनेगी, तो इस हिसाब में इसमें 7 ब्लॉक दिए हुए हैं, तो मैं 7 लुई बना लेती हूँ। 1, अब आप देख रहे हो कि हमारी एक समान 7 लोई बन के रेडी है। हम इसे अच्छे से बॉल जैसा सेप दे देंगे, जिससे क्या होगा कि जब भी हम हमारी बाटी बनाएंगे तो इजीली इसे हम टर्न कर सकते हैं। अब आप देख रहे हो कि ये हमारे सारे बॉल ऐसे बन के रेडी है। यहाँ पे मेरे 7 बॉल बने हैं जो बहुत ही अच्छे से बन के रेडी है। और जब भी आप बाटी का आटा लगाए, इसे ना तो बहुत ही ढीला रखना है, ना तो बहुत ही हार्ड करना है, आपको बहुत ही अच्छे से मतलब आटा गूंथना है। बाटी बनाने के लिए हमारी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। हम कर लेते हैं गैस को ऑन और इसके ऊपर रख देते हैं ये पैन।
और पैन जब तक गर्म होती है तब तक आप देख रहे हो कि हमारा ये जो बाटी का बॉल्स है बनाने के लिए रेडी है। इसका आटा जब भी आप गूंथे तो इसके आटे को हमें ना तो रोटी के जैसे ना तो बहुत हार्ड रखना है इसको, मतलब हम जो पराठे बनाते हैं ना उस हिसाब से करना है ना। और मेरा जो अपम का साइज़ है वो बहुत ही पैन का जो साइज़ है वो मीडियम साइज़ है, तो मैंने इस हिसाब से ये बॉल्स बनाए हैं। आप चाहो तो तवे पे भी यही चीज़ बना सकते हो। तवे पे आपको क्या करना है कि पार्टी का जो शेप है ना थोड़ा सा गोल नहीं रहेगा, वो आपको थोड़ा सा ऐसे कर लेना है और फिर जाके आप तवे पे इसको सेक सकते हो। अब हमारा ये तवा गर्म हो चुका है, हम क्या करेंगे इसमें तेल अप्लाई नहीं करना है, इसे ऐसे ही रखना है, सारी जगह पे ये बॉल्स रख लेते हैं और इसे धीमी आंच पे हम सेकने देंगे। आंच को अब हम कर लेना है धीमी और धीमी आंच पे हमें चारों तरफ से इसे अच्छे से सेकना है। देख रहे हो कि ये हमारा पार्टी धीरे धीरे सेक रहा है, हमें इसको चारों तरफ ऐसे घुमा के सेकना है, मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ हमको इसको घुमाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर बाद पलट के, और इसे अच्छे से सेकना है ना। और अब आप देख रहे हो कि ये हमारी सारी बाटी अच्छे से सेक कर रेडी है, तो हमें क्या करना है गैस को कर देना है ऑफ। और तो ये हमारी बाटी मैंने निकाल ली है एक बाउल में जो बहुत ही अच्छे से सेक कर चारों तरफ से रेडी है ना। इसको आपको क्या करना है ऐसे थोड़ा सा मतलब डबा लेना है और इसको ऐसे थोड़ी सी क्रैक दे देनी है, गरम है ये प्रोसेस आपको गरम में ही करनी है। यस, और इसके ऊपर एक्चुअली पार्टी का क्या होता है कि पार्टी जो होती है ना वो सीधे ही घी में डाली जाती है, बट थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस है तो मतलब मैं पार्टी को सीधे घी में नहीं डाल रही, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मतलब ये साथ ही बाटी है तो मैं इसके ऊपर एक चम्मच इतना घी डाल देती हूँ, वो भी शुद्ध घी, और अच्छे से आपको इसको मिक्स कर लेना है जिससे ये पूरा ऐसे अच्छे से घी से कोट हो जाएगा। आप चाहो तो बाटी को पूरा घी में डुबो के उसके बाद इसका यूज़ कर सकते हो, बट मैं थोड़ी सी वैसे भी मोटी हूँ तो मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ इसलिए मैं बाटी को पूरा घी में नहीं डाल रही, मैंने ऊपर से थोड़ा सा घी डाला है। और आप देख रहे हो अभी बाटी कैसी लग रही है। इस बाटी को आप मतलब दाल के साथ तो स्पेशल खाया ही जाता है, बट ये बाटी जो होती है ना मुझे चाय या कॉफ़ी के साथ बहुत ही पसंद है, मतलब ये हेल्दी तो है ही और चाय कॉफ़ी के साथ ये खाना मैं बहुत ही प्रीफर करती हूँ चाय कॉफ़ी के साथ, या आप चाहो तो इसको गार्लिक की चटनी के साथ भी आप खा सकते हो, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल अलग से नए कंटेंट नए वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल।